हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सत्रापन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्रापन सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल सत्रापन सिंह में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे खांडवी। जी हाँ दोस्तों, खांडवी। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए खांडवी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी दही लिया और इसे अच्छे से फेंट लूँगा ताकि इसके अंदर गोटली ना रहे। और यहाँ पर फुल कटोरी मैंने पानी डाल दिए। इसको पतला रखना है, ये घोल को जो है ना पतला रखना है। और एक कटोरी बेसन, नमक स्वाद अनुसार, एक टीस्पून हल्दी डाल दी इसके अंदर और एक टीस्पून ग्रीन चटनी, और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गए, अब इसे छान लेंगे। अब इसे पका लेंगे। 2 से 3 मिनट में इसे फास्ट आंच में पकाऊंगा। और मैंने इसे 2 से 3 मिनट फास्ट आंच में पकाया और उसके बाद में 15 से 16 मिनट इसे स्लो आंच में पकाया। अब यह गाढ़ा हो गया, बिल्कुल तैयार है। अब काउंटर पे आप घी, बटर, तेल कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल लगाया है, ये किसी भी बर्तन में आप ले सकते हैं, इसको ट्रे में ले सकते हैं, थाली में बना सकते हैं। और ये इस तरह इसे फैला देंगे काउंटर पे। बिल्कुल ये तैयार हो गया। अब इसे थोड़ा हल्का सा, ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा। इसके बाद इसे इस तरह से चाकू से काट लेंगे। आपको इजी तरीके से मैं बता देता हूँ। इसमें पानी जो है, और जैसे जितना, अगर आपका एक कटोरी दही होगा तो 3 कटोरी पानी डाल दीजिए और 1 कटोरी बेसन। बस सिंपल है। उसके बाद इसे जो मैंने बताया आपको 3 मिनट फास्ट आंच में, उसके बाद धीमी कर लें आंच और उसे 15 से 16 मिनट में पक जाएगा। और ध्यान रहे उसे चलाते ही रहें तो उसमें गोटली बनने लग जाएगी। तो अब हम इसका तड़का बनाएंगे। ये 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर तेल लिया और 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स इसके अंदर मैंने डाल दिए। और 8 से 10 कड़ी पत्ता। और ये तड़का बिल्कुल तैयार हो गया। और अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया मैंने इस तरह से। और एक कोकोनट फ्लेक्स है। और ये धनिया, हरा धनिया, ये टमाटो चटनी के साथ में से सर्व करेंगे। टमाटो चटनी, ये है मेरे पास लेमन मिंट जेल। इस तरह से मैंने डॉट लगा दें। अब इसके ऊपर मैंने अपना एक खांडवी रख दिया है। और इसके ऊपर फिर से मैंने लेमन मिंट जेल का डॉट दिल दिल लिप फ्लावर रख दे मैंने यहाँ पर। अब ये खांडवी सर्व के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें। इसका बनाने में भी बहुत इजी है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का मेरे खांडवी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का मेरे खांडवी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।